हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चीज़ किचन। होली स्पेशल भुजिया बनाने के लिए 2 कप मैदा लिया है मैंने। मैदा के अंदर थोड़ा सा होल कर दे रही हूँ। इसमें ऐड करूँगी मैं रिफाइंड ऑयल। आप चाहो तो इसमें घी का भी यूज़ कर सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, हल्के हाथों से मिलाते जाना है। और जो रिफाइंड ऑयल बचा था वो भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स करते जाना है। मैदा को अच्छे से मिक्स करने के बाद जब इसे हाथ में लोगे तो ये लड्डू जैसा बन रहा है। इसका मतलब समझ जाना है मैदा हमारा रेडी है। तो इसमें हल्का हल्का सा पानी ऐड करना है और एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेना है हमें। जैसे हम रोटी या चपाती के लिए डो रेडी करते हैं उसी टाइप से। भुजिया तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग को पसंद है या नहीं कमेंट में ज़रूर बताना। और एक बार ये मेरी सिंपल सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। मैं सूजी वाली भुजिया बना रही हूँ। बहुत लोग तो मावा वाली भी बनाते हैं, मैं सूजी वाली बना रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल है। हम सब बना सकते हैं इसीलिए। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, आप लोग को भी काफ़ी पसंद आएगी। आटा जब अच्छे से गूंदा हुआ हो जाए तो इसको टच करके देखेंगे ये सॉफ्ट डो रेडी हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ होगा तो आप इसको और ज़्यादा गूंद दीजिए। फिर इसको हम ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो इसको ढक के रखिए साइड में। और एक कढ़ाई लेना है, उसमें ऐड करना है घी और 1 कप सूजी। फिर इसको हल्का हल्का भूनते जाना है। सूजी का कलर हमें चेंज कर देना है। इसको भून भून के हल्का हल्का चेंज होने लगा है ना सूजी का कलर। जब ये पूरा ब्राउन हो जाएगा तब हम समझ जाना है कि हमारा सूजी रेडी है। यहाँ पे देखिए इसका कलर पूरा ही ब्राउन हो चुका है, तो रेडी हो गया है। और फिर जाके ये सूजी में ऐड करना है। सुबह सुबह अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा आप कर सकते हो। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर जाके इसमें मैं ऐड कर रही हूँ घर की मलाई। आप चाहो तो ये स्किप भी कर सकते हो, या आप चाहो तो इसमें और भी कंडेंस मिल्क या मावा भी ऐड कर सकते हो तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगा ये। फिर इसको मिक्स कर लेना है। और ये आटा जो हमारा गूंदा हुआ था इसकी छोटी छोटी सी लोई बना लेनी है, जैसे हम पूड़ी के लिए लोई बनाते हैं उस टाइप से छोटी छोटी सी लोई बना लेना है। और इसको बेल लेना है जैसे हम पूड़ी बेलते हैं। बट ये होता है कि पूड़ी थोड़ा सा मोटा भी हम लोग छोड़ देते हैं, बट इसको पतला बेलना है। बेलने के लिए आप मैदा, आटा या तेल का यूज़ कर सकते हो। अच्छे से बेलने के बाद सूजी का जो स्टफिंग हम लोगों ने रेडी किया था वो इसमें ऐड कर देना है। और इसको बंद करना है। बंद करते टाइम बहुत ही ध्यान से आप बंद करना, ये खुल भी सकता है। अगर आपके पास मशीन हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। हाथ से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है करने में, सबसे नहीं हो पाता है। फिर इसको अच्छे से बंद करने के बाद इसको हाथ से टेढ़ा टेढ़ा करके मोड़ना है। ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। आप देखना ये जब बन के रेडी होगा तो कितना अच्छा लगेगा, हाथ से ज़्यादा अच्छा लगता है ये देखने में। तो इसको बंद कर देना है अच्छे से। एंड देखिए ये रेडी हो गया है। इस टाइप से सारी भुजिया को रेडी कर लेना है। और इसको मीडियम ऑयल में हमें फ्राई कर लेना है। हीट मीडियम ही रखना है हमें। सारी भुजिया को इसमें डाल देना है और हल्के हीट पर इसको फ्राई कर लेना है। पलट पलट के हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है इसको। हमारे इधर गुजिया को पिरिकिया भी बोला जाता है। आपके इधर कुछ और नाम है गुजिया का तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और ये इसका कलर जब चेंज हो जाए, जब गुजिया भी ब्राउन हो जाए तो इसको हमें ऑयल से निकाल लेना है। और ये हमारी टेस्टी सी गुजिया बनके रेडी है। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। आज के लिए बस इतना।